बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज तलबा, आज इंशाअल्लाह ताला हम उर्दू का सबक नंबर 13 पढ़ेंगे। ये एक नगमा है, नज़म है आपके लिए। शायर ने लिखी है कि आप मेहनत करें, कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। बुनियादी तौर पे तो इसके इसमें यही है कि मेहनत और कोशिश करो। और पहले मैं इसकी एक दफ़ा रीडिंग करूँगा, फिर इंशाअल्लाह हर शेर की अलग अलग तशरीह करेंगे। दुकान बंद करके रहा बैठ जो तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो, न भागो कभी काम को, न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल, रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी मिल जाएगा। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, ये माना के मुश्किल बहुत है सबक, बुरा है मगर इस तराब और कलक, दोबारा पढ़ो फिर पढ़ो हर वरक, पढ़े जाओ जब तक है बाकी रमक, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब, न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जनाब, कि हो जाओगे एक दिन कामयाब, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। जो बाजी में सबकत न ले जाओ तुम, खबरदार हरगज न घबराओ तुम, न ठटको न झिझको न पछताओ तुम, जरा सबर को काम फरमाओ तुम, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। तो इस नज़म का मरकजी ख्याल और तो यही है कि दोस्तों तालिब इल्मों मेहनत करो, कोशिश करो, इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन तुम कामयाब हो जाओगे, घबराओ नहीं। ये इसका मरकजी ख्याल है। तो इसकी अब मैं हर शेर की तशरीह करूँगा। इसके शायर हैं मौलाना इस्माइल मिर्ठी। तो इसका पहला, अब मैं एक एक शेर की अलग तशरीह करता हूँ, फिर उसके बाद इसमें मशक में जो कुछ है वो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। पहला शेर है जी, दुकान बंद करके रहा बैठ जो तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो, न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो हो। किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। शायर कहता है कि जो इंसान दुकान बंद करके बैठा रहेगा, यानी कोई भी काम उसके जिम्मे है वो नहीं करेगा, तो वो कामयाब नहीं होगा। आम ये दुकानदार है या कारोबार करने वाले लोग हैं या पढ़ने वाले लोग हैं या डॉक्टर है, ये जो भी है, जो अपना काम नहीं करेगा तो वो कामयाब तो नहीं होगा। डॉक्टर है अगर वो क्लिनिक में नहीं जाएगा, घर बैठा रहेगा। दुकानदार कारोबार नहीं करेगा, दुकान नहीं खोलेगा, घर बैठेगा तो कामयाब नहीं होगा। आप असल मकसद तो इसको समझाने का आपको है कि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आज पढ़ने का वक्त है, पढ़ेंगे नहीं तो कल कामयाब नहीं होंगे। तो ये कहता है दुकान बंद करके रहा बैठ जो कि जो भी अपना काम आज नहीं करेगा तो एक ना एक दिन उसका काम तबाह हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कामयाब नहीं होगा। तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो, यानी उसने जिसने मेहनत नहीं की वो शर्मसार होगा, उसकी बेइज्जती होगी, वो कामयाब नहीं होगा, वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। लुटिया डबोना का मकसद है उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, दोस्तों के सामने, वालिदैन के सामने, रिश्तेदारों के सामने। जो बच्चा नहीं पढ़ता, साल भर नहीं पढ़ता और इम्तिहान में फेल हो जाता है तो शर्मसार तो होता है ना, दुख तो लगता है ना, जब लोग कहते हैं ये फेल हो गया। तो कहते हैं, तो शायर कहता है कि उसने लुटिया डबो दी, गोया उसने शर्मिंदगी उठाई, अपनी उसकी बेइज्जती हो गई। तो इससे बेहतर है बच्चों की मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए, न भागो कभी छोड़ कर काम को, तवक्को तो है खैर जो हो सो। वो कहता है कि जो कुछ भी काम है उसको छोड़ो नहीं, जी ना चुराओ, कामयाबी की तवक्को रखो, तवक्को रखो खैर, यानी तुम उम्मीद रखो, तवक्को भी उम्मीद रखो, इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी। और आप मेहनत करो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। ऐ मेरे दोस्तों, कामयाबी हासिल करने के लिए आप मेहनत करते रहो। अगला शेर है जी, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सिल,
रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल तो एक दिन नतीजा भी मिल जाएगा, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। कहता है जो पत्थर पे पानी पड़े मुख्तसर, ये पत्थर कितना सख्त होता है, अगर इसके ऊपर भी लगातार पानी पड़ता रहे तो ये पत्थर की सिल भी घिस जाती है, यानी ये वो जगह जहाँ पानी गिरता रहे तो वो कम हो जाती, मेल्ट हो जाती। आपने देखा है बाद औकात जिन इलाकों में हर वक्त पानी बहता रहता है, आपने देखा है बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो घिस जाते हैं, यानी वो उधर से पानी मसला आपने देखा है, कभी शिमाली इलाकों में जाओ जहाँ पानी बहता है तो पत्थर ऐसे गोल हो जाते हैं, पानी में गोल हो जाते हैं, हालांकि वो नुकीले होते हैं तो वहाँ पानी पड़ता रहता है ना तो वो मेल्ट होते जाते हैं। तो वो कहता है कि लगातार अगर आप मेहनत करते रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको नतीजा मिल जाएगा, आप कामयाब हो जाएंगे। यानी जिस तरह पत्थर की सिल घिस जाती है लगातार पानी पड़ने पे, इसी तरह तुम मुस्तकिल तौर पर मेहनत करोगे तो एक दिन नतीजा मिल जाएगा। यानी और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आप नाकाम हो जाओगे, अगर कामयाब अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नाकाम हो जाओगे। कहता है रहोगे अगर तुम नहीं मुस्तकिल, यानी अगर आप मुस्तकिल मजाज नहीं होगे तो एक तो फिर आपको नहीं मुस्तकिल, यानी मेहनत नहीं करोगे तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, नाकामी का मिले नाकामी मिलेगी। और अगर मुस्तकिल मजाज रहोगे, मेहनत करते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो इंशाल्लाह एक न एक दिन आपको कामयाबी होगी। और ये पढ़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आसान काम है, आराम से घर में बैठे होते हो, एसी लगे होते हैं, बेहतरीन आपको खाने मिलते हैं, हर घर वाला आपकी खिदमत करने वाला होता है और बड़ी इज्जत होती है, किताबें निकालो, बैग निकालो, पढ़ना शुरू कर दो, कोई ये मुश्किल काम तो नहीं है। मुश्किल काम तो दूसरे होते हैं जो लोग बेचारे मेहनत करते हैं, नौकरियों पर जाते हैं, ड्यूटियाँ करते हैं, वर्कशॉपों में जाते हैं, वो मुश्किल है, पढ़ने वाला काम तो सबसे आसान है। अच्छा जी आगे है, ये माना कि मुश्किल बहुत है सबक बुरा है मगर इस तरह बहुत गलत। कहते हैं कि यार ये माना कि चलो काम मुश्किल है, कभी थोड़ा मुश्किल भी सबक आ जाता है, सारे मुश्किल तो नहीं होते चैप्टर, कभी मुश्किल भी अगर आ जाए तो बुरा है मगर इस तराब और कलक। कहता है कि अगर मुश्किल सबक का सामना हो तो इस तराब बेचैनी, इस तराब के क्या मानी है, बेचैनी और कलक, अफसोस और रांझित करना अच्छी बात नहीं है, ये बुरी बात है। अगर मुश्किल सबक से भी सामना हो जाए तो फिर बेचैन होना या अफसोस करना वो बुरी बात है, ये बहुत बुरा काम है कि मुश्किल सबक आ गया और आप बेचैन हो गए और परेशान हो गए, ऐसा ना करो। अगर तुम्हें अपने सबक नहीं समझ आ रही तो उसको दोबारा पढ़ो, तो वो कहते हैं दोबारा पढ़ो, फिर पढ़ो, हर वर्ग पढ़े जाओ तब जब तक है बाकी रमक, रमक मीन कि आखिरी सांस, जब तक तुम्हें कुवत है ताकत है। कहता है कि अगर आपका सबक मुश्किल है तो घबराना नहीं चाहिए, दुख ना महसूस करो, शर्मिंदगी ना महसूस करो, उसको दोबारा पढ़ो, अगर नहीं समझ आ रही तो फिर पढ़ो, हर वर्ग गौर से पढ़ो और आखिरी सांस तक पढ़ो, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाओगे। इसका मकसद ये है कि कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते दो चार बार पढ़ोगे तो आपको सबक की समझ आ जाएगी। अगर ताक में तुमने रख दी किताब तो क्या दोगे कल इम्तिहान में जवाब, न पढ़ने से बेहतर है पढ़ना जवाब, के हो जाओगे एक दिन कामयाब, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों। कहता है अगर तुमने बैग ही ना खोला, किताब ही ताक में रख दी, यानी भूल गए या किसी जगह रख दी और उसको किताब को बंद करके रख दिया, उसको ना खोला तो बच्चों कल इम्तिहान में क्या जवाब दोगे, तुमने पढ़ा तो है नहीं, किताबें तो आपने खोली नहीं। कामयाबी का राज मेहनत में है, वो कहता है मेहनत से पढ़ते रहो तो तुम कामयाब हो जाओगे। कहता है ना पढ़ने से बेहतर पढ़ना जवाब, कि एक दिन एक एक पढ़ते रहोगे तो एक दिन कामयाब हो जाओगे। देखो बच्चों आपने अक्सर देखा है सब स्कूल जाते हो, मार्केट में जाते हो, आगे पीछे शहर में घूमते हो, कई लोग बेचारे सड़कें साफ कर रहे हैं, कई बिल्डिंगें बना रहे हैं, कई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, कई मुश्किल से मुश्किल काम कर रहे हैं, कई वर्कशॉपों में काम कर रहे हैं,
फिर आप कभी देखते हो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बड़ी शानदार गाड़ी में जा रहा है, अस्पतालों में बड़े बड़े ओहदों पर है, डॉक्टर है, अकाउंटेंट है। तो देखो ना, ये जो लोग आजकल आप देखते हैं मुश्किल काम कर रहे हैं, सड़कें साफ कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये बेचारे बचपन में पढ़े नहीं, जब आपकी उम्र थी इन्होंने पढ़ा नहीं है। और जिन लोगों को जो तुम देखते हो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, 20-30 हजार तनख्वाह है, शानदार दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने आपकी उम्र में पढ़ा था, जब आपकी उम्र थी तो उन्होंने पढ़ा था, तो माशाल्लाह आप तो सारी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं। और जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो जिंदगी अच्छी गुजारता है, एक अच्छा इंसान बन जाता है, नेकी के काम भी करता है, उसको इलम आ जाता है, आखिरत की भी फिक्र होती है। और बेचारे ये मजदूर जो पढ़ नहीं सकते, इनको तो आखिरत का भी इतना फिक्र नहीं रहती, मजदूरी में लगे रहते हैं, फिर इनके पास इलम नहीं होता। तो पढ़ने से, ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है, इसमें आखिरत भी संवर जाती है। जब इंसान को इलम हासिल हो जाता है कुरान का, हदीस का, एक अच्छा इंसान बन जाता है, शऊर आ जाता है, तो वो इस दुनिया में भी, और अगर नेक काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला कुरान हदीस कुरान पाक इस्लाम की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजर, तो आखिरत भी संवर जाती है। अच्छा आगे है जी, जो बाजी में सबकत न ले जाओ तुम, जो बाजी में सबकत न ले जाओ तुम, खबरदार हरगज न घबराओ तुम, न ठटको न झिझको न पछताओ तुम, जरा सबर को काम फरमाओ तुम, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, कहता है दोस्तों। अगर तुम मिसाल देता है कि जो बाजी में सब, अगर तुम खेल शेल कर रहे हो और खेल में आगे ना बढ़ सको, सबकत ना ले जाओ यानी आगे ना बढ़ सको, बाजी ना जीत सको, कहता है अगर तुम खेल भी रहे हो, अगर तुम हार गए हो, तो इसमें इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, इसमें खबरदार हरगिज ना घबराओ तुम। अगर तुम हार भी गए हो या तुम बाद खुदा ना करे फेल भी हो जाता है बच्चा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मेहनत करो फिर कामयाब हो जाओगे। तो ये इसको थोड़ा खेल से तशबीह देता है शेर को, जो बाजी में सब कतना ले जाओ तुम, कि दोस्तों अगर खेल में अपने साथियों से आगे ना निकल सको, कामयाब ना हो सको, तो घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि खेल ही छोड़ दो या फिर पढ़ाई छोड़ दो, ऐसी बात नहीं, फिर पढ़ो फिर मेहनत करो। खबरदार हरगज न घबराओ तुम, कि घबराने की जरूरत नहीं है, न ठटको न झिझको न पछताओ तुम, कहता है ना खौफ से, ना खौफ से रुको, ठटकना होता है खौफ से रुक जाना, और झिझकना होता है शर्माना, ना खौफ से रुक जाओ, ना शर्माओ, ना पछताओ और ना शर्मिंदा हो, कहता है कि अगर आपको ऐसा हुआ है तो इसमें खौफ की कोई जरूरत नहीं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं, और पशमान होने की जरूरत नहीं, नादिम होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जरा सबर को काम फरमाओ तुम, कि थोड़ा सबर करो फिर मेहनत करो, जरा सबर को, कहते हैं थोड़ा सबर कर लो फिर कोशिश कर लो। ये नहीं है कि आप खौफ ज्यादा हो गए हो, परेशान हो गए हो और शर्माने लग गए हो, मैं तो नाकाम हो गया हूँ, बड़ा काम खराब हो गया, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ना करो। कभी मतलब बच्चे फेल भी हो जाते हैं तो बड़े शर्मसार या बड़े ये बात दिल में ले लेते हैं, तो ऐसा ना करो, कुछ नहीं होता। तो कहते हैं तुम थोड़ा सब्र करो फिर अपना काम शुरू कर दो, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, ऐ मेरे दोस्तों तुम कोशिश करो, तुम मेहनत करो, इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाओगे। तो इस सबक में बुनियादी तौर पे तो उसने तलबा को यही नसीहत की है कि तुम मेहनत करो, पढ़ो, कोशिश करो, खुदा न करे जब कभी थोड़ा नाकामी का भी सामना करना पड़ता है तो रुको नहीं, चलते रहो चलते रहो, और दोबारा पढ़ो और इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। बुनियादी तौर पे तो ये जो बुक्स होती हैं, आप तो बाद बच्चे तो यही समझते हैं कि इसके सवाल जवाब याद करने हैं और बर्पास होकर अगली क्लास में चला जाना है, ऐसा नहीं होता। इसमें एक तालीम और तरबियत का भी पहलू होता है, मसलन कोई नसर के सबक होते हैं, कोई नज्मों के होते हैं, ये आपकी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। आपने पहले कई सबक पढ़े हैं मेहनत के बारे हैं, या वालिदैन की खिदमत है, या हमसायों के साथ अच्छा सलूक है, जो भी पीछे आप पढ़ते रहे हैं, या बहादुरी के हैं या हमदर्दी के हैं, तो इसमें बुनियादी मकसद ये भी होता है कि आप में एक ऐसी शख्सियत पैदा हो जाए जो आम मुआशरे में रहने सहने के लिए हर एक के साथ अच्छा तआमुन करे। और ये जो कोशिश किए जाओ मेरे दोस्तों, ये भी
बुनियादी तौर पर यही आपको समझा रहे हैं कि ये तो तालिब इलम, ये अभी आप इतने समझदार नहीं होते, बच्चे होते हैं, तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाएं और कोशिश करें और मेहनत करें और घबराएं नहीं। आज आप मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, तो इंशाअल्लाह ताला कल बहुत बड़े आदमी बन जाओगे और सारी जिंदगी कामयाबी के साथ गुजारोगे। तो ये तो था सबक। अब इसके जो है अगला मशक है, उसमें MCQs है। मसलन ये कहता है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज लगा कर मिसरे को मुकम्मल करें। तो ये जो एक मिसरा है उसके नीचे चार जवाब है, मैं जो सही जवाब है वो पढ़ता जाऊंगा और उस स्क्रीन के ऊपर भी निशान लगे हुए हैं, तो सही जवाब के ऊपर टिक लगी हुई है, वहां से आप देख भी सकते हैं। पहला है जी, तो दी उसने बिल्कुल ही लुटिया डबो, जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल। अगला है जी, तो क्या दोगे कल इम्तहान में जवाब। आगे है जी, ये माना के मुश्किल बहुत है सबक, खबरदार हरगज ना घबराओ तुम। ये तो थे ये वाले सवालों के जवाब, इसके MCQ। और उसके बाद ये है कि MCQ को आपने याद करना है। और अब है इसके जो मुश्किल अल्फाज के मानी है, मुश्किल अल्फाज के मानी आप देख रहे हैं तो फिर तशरीह आसान हो जाती है। तशरीह में यही होता है कि जो मुश्किल लफ्ज है उसके मानी याद है तो आपको तशरीह खुद ब खुद आ जाती है कि इसका मतलब ये है। इस्तराब बेचैनी, तवक्को उम्मीद, थिड़कना हैरान या खौफ से रुक जाना, झिझकना शर्माना, सिल मिसाला पीसने वाला पत्थर है, बुनियादी तौर पर सिल वही जो पत्थर होता है, कलक अफसोस, काम फरमाना काम में लाना, लुटिया डमोना शर्मिंदगी उठाना, बेइज्जत होना, मुत्तसिल लगातार। ये तो थे इसके अल्फाज मानी। अच्छा जी, अब है, अच्छा जी, तो ये MCQ हो गया, तशरी हो गई। अब बच्चों हम इसके जो मशक के सवाल जवाब है वो मैं पढ़ देता हूँ। स्क्रीन पर भी आ रहे हैं सवालों के जवाब आ रहे हैं। तो पहला सवाल है जी, अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान ना खोले तो उसका क्या नुकसान होगा, ऐसे दुकानदार का कारोबार बंद हो जाएगा। सवाल नंबर, यानी वो दुकान नहीं खोलेगा तो क्या बेचारा करेगा, घर में बैठा रहेगा। सवाल नंबर दो है, लगातार और मुसलसल काम करने का क्या फायदा होता है। जवाब, लगातार और मुसलसल काम करने से इंसान को कामयाबी और काम में महारत हासिल होती है, वो कामयाब हो जाता है। सवाल नंबर तीन, इम्तहान की तैयारी ना करने का क्या नतीजा निकलता है, ये तो आपको भी अच्छी तरह पता है। इम्तहान जवाब है जी, तैयारी ना करने वाले इम्तहान में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये तो सब छोटे बच्चों को भी पता है, जो इम्तहान की तैयारी ना करेगा कल फेल हो जाएगा इम्तहान में, खाली पेपर देकर आएगा। सवाल नंबर चार, अगर खेल में कामयाबी ना मिल सके तो क्या करना चाहिए। जवाब, अगर खेल में नाकामी की मतलब खेल में नाकामी की सूरत में घबराना नहीं चाहिए, जब खेल रहा है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कामयाबी के लिए मुसलसल कोशिश जारी रखनी चाहिए। सवाल नंबर पांच, सबर से मुसीबत सहने का क्या फायदा होता है। जवाब, सबर से मसाइब बर्दाश्त करने वाला दूसरों के सामने शर्मसार नहीं होता, उसको परेशानी नहीं होती, शर्मिंदगी नहीं होती। ठीक है, इस दुनिया में मुसीबतें मसाइल आते रहते हैं, जो साबिर शाकिर होता है, दलेर होता है, वो इतना शर्मिंदा नहीं होता, तो बिलाकर वो मुसीबतें बर्दाश्त कर लेता है। अगला सवाल है जी, सवाल है और उसके जुमले हैं, लुटिया डबोना, लुटिया डबोना, इसका जुमला है, मेरा ख्याल था कि आप पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनोगे मगर आपने तो लुटिया ही डबो दी। इस्तराब, मरीज हालत इस्तराब में है। रमक, हादसे में हालत बहुत खराब हो चुकी है मगर रमक भर जान अभी बाकी है। जुस्तजू, इलम की जुस्तजू जारी रखनी चाहिए। सबकत, जो तालिब इलम मेहनत करता है दूसरों पर सबकत ले जाता है। तो ये था बच्चों सबक, और इसमें आपने इसकी दो चार बार रीडिंग करनी है इस नज़म की, और तशरीह करने की कोशिश करनी है, उसके बाद सवालों के जवाब और जुमले।
आपने कॉपी पर लिखने हैं खूबसूरत करके, और ये एमसीक्यू जो सवाल है दुरुस्त जवाब के इंतखाब, ये आपने किताब से ही याद कर लेना है, मानी भी याद कर लेना है। तो इस तरह अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।